बच्चों, मैं हूं कमल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेटर एक्सप्लेनर में। और आज हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, पेड़ के विभिन्न भागों के नाम, यानी पेड़ के जो हिस्से होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे कि जड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शाखाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सभी को आज हम समझने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, जड़। जड़ क्या होती है, पेड़ के सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। और जड़ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो जड़ को इंग्लिश में बोला जाता है रूट। क्या बोला जाता है, रूट, ROOT, रूट, ठीक है। और आप बोल सकते हो रूट्स, क्योंकि जड़ एक नहीं होती, एक से ज्यादा होती है। तो आप क्या बोलोगे, जड़। ये तो जड़ लिखा है, तो एक से ज्यादा जड़ होती है तो उसे क्या बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है, ठीक है। तो जड़ को तो हमने समझ लिया। इसके बाद आता है तना। जड़ के जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो आपने देखा होगा इस तरीके से, ठीक है, तो वो क्या होता है, तना होता है। और तने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो तने को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। क्लियर, दोनों बातें क्लियर होगी। इसके बाद हमारा आता है शाखाएं। शाखाएं क्या होती हैं, पेड़ के जिस हिस्से से इस तरीके से पेड़ का तना होता है और तने से क्या होती हैं, शाखाएं निकली होती हैं कि नहीं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है शाखाएं। और शाखाओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस मतलब क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है पत्ती। पत्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लीफ। क्या बोलते हैं, लीफ। अगर पत्तियां एक से ज्यादा होती हैं तो उसको बोला जाता है लीफ, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या बोला जाता है, लीफ बोला जाता है। ये किसके लिए, एक पत्ती, और ये क्या है, पत्तियां, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं पत्तियां, अगर आपको लिखना है एक से ज्यादा पत्ते तो उसे क्या बोलते हैं, पत्तियां बोलते हैं कि नहीं, तो वो क्या होता है, लीव्स होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद आता है कली, ठीक है। जब फूल उगता है तो फूल के तने का जो आता है, फूल से पहले का जो हिस्सा होता है पेड़ का, उसे क्या बोला जाता है, कली बोला जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बड, ठीक है, याद रखना। कली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। उसके बाद आता है लास्ट ऑफ फूल। फूल के बारे में तो आप जानती होंगे, ठीक है। फूल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर, ठीक है, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल होता है, ठीक है। एक से ज्यादा होंगे तो एस लगा देंगे तो फ्लावर्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रूट, ठीक है। फ्रूट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो फ्रूट को इंग्लिश में बोलते हैं वो, सॉरी। इसके बाद आता है फल। फल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो फल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट्स, ठीक है, FRUIT, फ्रूट। फ्रूट मीन्स क्या होता है, फल, ठीक है। एक से ज्यादा फल है तो आप वही काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फ्रूट्स यूज करते हो, FRUITS, ठीक है, इस तरीके से। तो ये थे क्या, पेड़ों के भागों के नाम। एक और वर्ड है यहाँ पे, टहनी। टहनी जो होती है ना छोटी छोटी, तो उनको हम टहनी बोलते हैं। टहनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी मैं लिखा देता हूँ, ये लीजिए टहनी, जो टहनियां होती हैं, तो टहनी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्विग, ठीक है, TWIG, ट्विग। ट्विग मींस क्या होता है, पेड़ की जो पतली पतली जो, ठीक है, जो टहनियां होती हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्विग बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।